हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। और आज हम लोग बोर्ड रिवीजन सेशन में जो है डिफरेंशियल कैलकुलस से एनसीईआरटी मिसलेनियस से जो सारे अच्छे सवाल मुझे लगे हैं ना, बेसिकली फ्रॉम रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी, वो मैं लाया हूँ, है ना। और क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले आऊंगा, बट पहले मैं चाह रहा हूँ कि आज सुबह, अभी तो रात हो गई, अभी ये वीडियो आ रही है, इंटीग्रल कैलकुलस वेक्टर 3D करा दें, उससे बाद हम आपको बाकी भी करा देंगे, ठीक है। इजी चैप्टर है ये, इससे ज्यादा सवाल आपको रिवाइज करने की आप खुद भी कर सकते हो, है ना। इंटीग्रल कैलकुलस एक ऐसा चैप्टर है जिससे मुझे आपको करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे बना लेते हैं अपने सहूलियत के लिए का, यहाँ पे हम लोग कट कर करके लेके आएंगे। पहला सवाल ले लेते हैं फटाफट से। जो है पहला सवाल बोलता है कि कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशंस, दो टाइप के आपके उसने बाइनरी ऑपरेशन दिए है। एक है स्टार ऑपरेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर मैप टू आर, एंड ओ ऑपरेशन आर क्रॉस आर मैप टू आर डिफाइंड एज। तो उसने बोला कि ए स्टार बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी एंड ए ऑपरेशन बी बराबर ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल, शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, फर्दर शो दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल वी विल हैव दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखानी है। ठीक, तो ये पूरा एक आप मान लो 5 नंबर 6 नंबर का सवाल आपके पास है, तो हमें इसे पार्ट्स में लिखना है, तो हम इसे पार्ट्स में करने से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर का सवाल है, अब हम देखते हैं हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहला पार्ट क्या करना है, मुझे शो करना है कि ए स्टार इज कम्यूटेटिव। तो मैं बोलता हूं कि ए स्टार बी बराबर क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। और बी स्टार ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस ए। मॉड ऑफ बी माइनस ए का मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ माइनस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। और इसे मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ माइनस वन इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, क्योंकि हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें तो हमें एक एक स्टेप अलग अलग करके दिखाना होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो लिखा है मेरे पास मॉड ऑफ माइनस ऑफ ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ माइनस, हाँ वैसे आप कंटिन्यूटी में भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन जाएगा मॉड ऑफ माइनस वन इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी, एंड मॉड ऑफ माइनस वन इज वन, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, और मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, ए स्टार बी। तो यहां से हमारे पास आ गया कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार है। तो हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है, स्टार कम्यूटेटिव तो है। अब क्या चेक करना है, नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी कैसे चेक होगी, हम लोग को चेक करना है कि क्या ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है या नहीं, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो ये बना बेसिकली आपका ए स्टार, ठीक है। अब ए स्टार बी स्टार सी क्या बना, ए स्टार बी स्टार सी बन जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस सी, ये बन जाएगा फिर दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड बी माइनस सी, ठीक है। और यहां पे देखो ए स्टार बी स्टार सी क्या बन जाएगा, ये बनेगा
मॉड ऑफ ए माइनस बी स्टार सी, और ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ओके। तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्या ये दोनों कभी भी इक्वल हो पाएंगे? लेट अस सी। ठीक है, लेट अस से बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसा वाला केस ले लो, तो ये कैसे बनेगा? ठीक है, क्या लेट अस से अब हम लोग ने ये दोनों के इक्वल माना है ना। अभी अगर मुझे और एसोसिएटिव प्रूफ करना है, नॉट एसोसिएटिव मैंने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाया है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज अज्यूम एसोसिएटिविटी। ठीक है, आप एसोसिएटिविटी अज्यूम कर लो। आपने एसोसिएटिविटी अज्यूम कर ली, अब ये दोनों अगर इक्वल है तो आपके पास यह इक्वेशन आनी चाहिए, यू शुड हैव ए माइनस मॉड ऑफ बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स मॉड ऑफ ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो यहां से आई शुड हैव या तो ए माइनस मॉड बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, या फिर ए माइनस मॉड बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू सी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी। इन दोनों में से कोई सा एक केस होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास आ रहा है कि ए प्लस सी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, एंड मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस सी अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक है, तो ए प्लस सी इस टाइप से आ जाएगा, या फिर हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए और ए माइनस सी शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस सी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये होना चाहिए। पर आप देख सकते हो दैट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल। ये तो आप बहुत इजीली देख सकते हो, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ केस मान लो कि बी जो है वो ए से भी बड़ा है और बी जो है सी से भी बड़ा है, अगर आप ऐसा कुछ केस मान लोगे तो यहीं पर आपका दोनों इक्वेशंस इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर जो है आपकी दोनों इक्वेशंस इनवैलिड हो जाएगी। तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल, तो हेंस प्रूफ कि इट इज नॉन एसोसिएटिव, हेंस स्टार इज नॉन एसोसिएटिव। तो आपने स्टार के लिए तो प्रूफ कर ही दिया। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है? अब आपको शो करना है ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। तो उसने बोला कि ए ओ बी बराबर ए है, तो बी ओ ए बराबर बी आ जाएगा, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हेंस ये नॉन कम्यूटेटिव, हेंस नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, इससे बात क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए ऑपरेशन बी और ये बन जाएगा ए, और एड करेंगे ए ऑपरेशन बी
ऑपरेशन सी, ये बन जाएगा ए ऑपरेशन सी, ये भी बन जाएगा ए, तो हेंस एसोसिएटिव, ठीक है, तो ये भी आपने इजीली प्रूफ कर दिया। इसी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी पता है, वन मार्क्स का ये हो जा, 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 या ये 0.5 0.5 भी हो सकते हैं, फिर ये वाला पूरा ही रहेगा, ये ज्यादा नंबर का, जैसे ये हो सकता है 10 नंबर का सवाल हो, है ना, बट आपको तो क्या कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, बढ़िया सवाल है रिवीजन के लिए। फिर आप कर सकते हो फर्दर शो दैट, अब आपको ये शो करना है कि ए स्टार बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ऑपरेशन बी स्टार सी, यही शो करना है, ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी, सॉरी ऑपरेशन ए स्टार सी डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी, तो बेसिकली तुम्हारा ए स्टार बी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब यहां से देखते हैं ए स्टार बी ऑपरेशन सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बी ऑपरेशन सी तुम्हारा बेसिकली ए स्टार बी हो जाएगा, तो ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। और फाइनल क्या कमेंट करना है तुम्हें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया इधर, और फाइनली तुम्हें ये कमेंट करना है शो दैट, अच्छा अब तुम्हें एक चेक करना है, स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ऑपरेशन हो, मतलब अब तुम्हें ये देखना है कि ए ऑपरेशन बी स्टार सी क्या ये इससे बराबर हो रहा है, ए ऑपरेशन बी स्टार ए ऑपरेशन सी, ये चेक कर लेते हैं ना, तो ये ए ऑपरेशन बी स्टार सी तो तुम्हारा बेसिकली ए बन जाएगा, और ए ऑपरेशन बी क्या होता है, ए स्टार ए, और ए स्टार ए बेसिकली तुम्हारा जीरो बन जाएगा, तो ये ट्रू हो रहा है ओनली व्हेन ए इक्वल टू जीरो, नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग इन टू रियल, नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग इन टू रियल, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा आंसर, ठीक है, नो मतलब ऑपरेशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। तो ये काफी सिंपल सवाल होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन सबसे इजी जो है कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशंस पर बेस सवाल आता है बोर्ड्स में, तो मेक श्योर कि ये सवाल तुम अच्छे से समझ से जाओ, तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन जो है काफी इजीली हो जाएगा। फिर एक सवाल लिया हमने फंक्शन से ऊपर, और इस टाइप का सवाल अगेन काफी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से, बोर्ड्स एज वेल एज मेंस, मेंस में भी ये तो आता ही है, ठीक है, मेंस में भी ये आता है, शो दैट द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, इससे बारे में मुझे कमेंट करना है, ठीक है, तो जब मैं एफ ऑफ एक्स बनाता हूं तो एफ ऑफ एक्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स व्हेन एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर नॉन नेगेटिव नंबर, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज अ नेगेटिव नंबर। अब मुझे क्या करना है, 1 1 चेक करना है, तो 1 1 के लिए तो एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 ओनली इफ इफ एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं अपना एक्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास बनना चाहिए एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 शुड बी इक्वल टू एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स 2, अज्यूमिंग एक्स 1 कमा एक्स 2 बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो यहां से आपके पास आएगा एक्स 1 प्लस एक्स 1 एक्स 2 बराबर एक्स 2 प्लस एक्स 1 एक्स 2, ठीक है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 आ जाएगा, ठीक है,
तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू तभी पॉसिबल है जब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। आप सेम सिमिलरली दोनों को नेगेटिव करके इसमें भी चेक कर लेना। इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम ऐसे ले कि एक्स वन ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स टू लेस देन जीरो, मतलब एट नंबर पॉजिटिव और एट नंबर नेगेटिव पे इक्वल जा रहा है, जैसा मतलब आप क्लेम करना चाह रहे हो कि इट इज नॉट वन वन फंक्शन, तो भी करके देख लेना। उससे भी कर सकते हो बट वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। मैं करके देख चुका हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, ये मैंने सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन लिया था, ठीक है। अब आपका ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करना है, ठीक है। देखो अभी जिसने बड़ी अच्छी बात बोली है, वन वन तो हमने फटाफट से चेक कर लिया। अब यहाँ पे आपको मैपिंग देखनी चाहिए। मैपिंग क्या है, रियल से -1 to 1, जैसा डोमेन रियल नंबर है और इसका जो ट्रू डोमेन है दैट इज फ्रॉम -1 to 1। तो हमें क्या प्रूफ करना है ऑन टू के लिए कि रेंज इक्वल टू ट्रू डोमेन, ठीक है। इस चीज से मैं अगर ऐसे लिख दूं, और इस चीज से मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। अब हमें रेंज की बात करनी है, राइट। तो इसी रेंज क्या बनेगी, जब एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और ये जब 0 से 1 के बीच में है तो 1 प्लस एक्स मेरा, 1 प्लस एक्स मेरा किससे किससे बीच में आएगा, 1 से लेके 2 के बीच में। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 1/2 से लेके 1 के बीच में आएगा। तो अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और एक्स मेरा किस रेंज में, एक्स मेरा 0 से 1 के रेंज में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मेरा किस रेंज में आ गया, 0 से 1 में। सिमिलरली आप प्रूफ करो कि एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स चलना है मुझे, ठीक है। तो एक्स मेरा किस रेंज में, -1 से 0 में है, ठीक है। एक्स मेरा -1 से 0 में, तो -x मेरा 0 से 1 के बीच में आएगा। 1 माइनस एक्स मेरा अगेन सेम मेथडोलॉजी, 1 से 2 में आएगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स मेरा 1/2 से 1 के बीच में आएगा, और अब दोनों साइड, और आपके पास एक क्या इक्वेशन है कि आपका जो एक्स है वो 0 से -1 में, तो आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर -1/2 से 0, राइट। तो एक तो या तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि जो तुम्हारा -x है वो तुम्हारा 0 से 1 में है ना। तो अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो -x अपॉन 1 माइनस एक्स तुम्हारा बेसिकली जो है 0 से छोटा होगा, और जीरो से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो -1 से कर दोगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स तुम्हारा -1 से 0 के बीच में आ जाएगा। तो अगेन, तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स की जो रेंज आ गई, तुम्हारे एफ एक्स की रेंज कहीं ना कहीं बिल्कुल -1 से 1 में आई है, और क्योंकि रेंज इक्वल टू ट्रू डोमेन हो गया है, यहाँ पे रेंज इक्वल टू ट्रू डोमेन हो गया है, तो अपना ये ऑन टू भी हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ, है ना, हेंस प्रूफ कि ये सब, ये क्या है फंक्शन, 1 1 भी है ऑन टू भी है, ठीक है। 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। क्या चल रहा है, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले डिफरेंशिएशन वाले कर लेते हैं। तो ये वाला सवाल है, इस टाइप का फंक्शन आ सकता है डिफरेंशिएट करने के लिए,
वाई बराबर उसने आपको दे रखा है एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री टू दी पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसे बेसिकली ऐसे कर लो कि वाई वन बराबर है एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और वाई टू है एक्स माइनस थ्री टू दी पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। हम लोग यहां से एलएन ले लेंगे, तो एलएन ऑफ वाई वन बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एलएन एक्स और एलएन ऑफ वाई टू बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स एलएन ऑफ एक्स माइनस थ्री। बस अब दोनों इक्वेशंस आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां आएगा वन अपॉन वाई वन इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाय एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू टू एक्स। और यहां पर आपके पास आएगा वन अपॉन वाई टू इंटू डी वाई टू बाई डी एक्स और ये बन जाएगा टू एक्स एल एन एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो यहां से बस अब आपको डी वाई वन बाई डी एच से अब मिल जाएगा डी वाई वन बाई डी एच आएगा एच टू दी पावर एच स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एच स्क्वायर माइनस थ्री बाय एक्स प्लस टू एच एल एन एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस थ्री टू दी पावर ऑफ एक्स इंटू टू एक्स एल एन ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री। और ये वाला आंसर आपका बन जाएगा इस डिफरेंसिएशन का डी वाई वन बाई एक्स प्लस डी वाई टू बाई एक्स, वही डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। ठीक है, खत्म है ये सवाल। तो एकदम है ना, आपने सम रूल लगा दिया यहाँ पे है ना, हर जगह एक ब्रैकेट पे मेंशन कर देना आपने क्या रूल लगाया है, आपने डेरिवेटिव से आ क्या लगाया है ना, या आपने बेसिकली ऑब्टेन किया यूजिंग लाइक डी वाई डी एच ऑफ एल एन वाई क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एच। ठीक है, डी वाई डी एच ऑफ एल एन एक्स वन बाय एच है ना, इस टाइप से ये आप इजिली प्रूव कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं रहता। ये एक अच्छा सवाल है और ये जो चीज है बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना वन प्लस डी वाई बाई डी एच होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू बाई डी टू वाई बाई डी एच स्क्वायर, ये ही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और क्योंकि फिलहाल हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ सर्कल कांस्टेंट होता है, तो आपको यही प्रूफ करना है कि दिस विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, एक मेथड क्या लगा सकते हो आप, एक्स से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा टू टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस टू टाइम्स वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहली इक्वेशन ये आ गई, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा टू प्लस टू टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू टाइम्स वाई माइनस बी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा जीरो। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन है एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको यहां से ए और बी बेसिकली एलिमिनेट करना है। ठीक है,
यू हैव टू ट्राई टू एलिमिनेट ए एंड बी, तो बी तो यहां से एलिमिनेट हो गया है ना, बी तो वाई माइनस बी की वैल्यू आपके पास आ गई, वाई माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स माइनस ए की भी आ जाएगी, ठीक है। तो आप इजीली यहां से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक वाई माइनस बी क्या बनेगा, इस इक्वेशन से लाओगे तो वाई टू टाइम्स वाई माइनस बी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, टटा टटा टटा, तो बी माइनस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो बी माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी माइनस वाई अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस। और सिमिलरली यहां से आपके पास एक्स माइनस ए भी आ जाएगा, राइट। एक्स माइनस ए की वैल्यू आ रही है, एक्स माइनस ए की वैल्यू आ रही है बी माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बी माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो वो बन जाएगा आपका बी माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो वो बन जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बस आप एक काम करो, स्क्वायर एंड ऐड कर दो, तो आपके पास है बेसिकली एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर एंड ऐड कर दो और आपने प्रूफ कर दिया कि दिस थिंग इज समिंग आउट एज अ कांस्टेंट, दैट दिस थिंग इज समिंग आउट एज अ कांस्टेंट, ठीक है। काफी सरल सवाल था, आगे भी आप ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे ना, मेंस में ये आता है डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करने पर, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे देख लेते हैं एक आधी सवाल। तो दोनों देख लेते हैं, पहला वाला देख लो, पहले वाले में आपको तो कुछ नहीं करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का आपने अगर रैशनलाइज करा तो इसमें आपको तो थोड़ा सा अपना आंसर राइटिंग पे ध्यान देना होगा। ये आपके पास ऐसे लिखा है ना, तो यहां आपने रैशनलाइजेशन लगाया, ये बन जाएगा आपके पास इस तरह से, आपने इसे रैशनलाइज कर दिया। और रैशनलाइज करते ही आपके पास बन जाएगा वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स प्लस टू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू साइन एक्स, जस्ट सिंप्लीफाई, ठीक
ठीक है। ठीक है, सिंपलीफाई करते ही ये क्या बन रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन रहा है ठीक है, तो ये बन रहा है 2 + 2 √, तो ये बन जाएगा 2 + 2 cos x / sin x, ठीक है, 2 + 2 cos x / 2 sin x, ठीक है। यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 1 + cos x / 2 sin x, क्या है? तो 1 + cos x आपका क्या बन जाएगा, 2 cos² x / 2, ठीक है, यही बनेगा ना, क्यों बनेगा, क्रॉस एक्स से होता है 2 cos² x / 2 - 1, तो ये वाली आइडेंटिटी लगाना है ना, ये सब लिख देना वहां पे। अब मैंने आपका आंसर राइटिंग तो काफी बार सिखा दी है, और साइन एक्स तो क्या लिख सकते हो, 2 sin x / 2 cross x / 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा cross x / 2 upon sin x / 2, और ये बन जाएगा cot x / 2, तो cot inverse cot x / 2 क्या आ जाएगा, cot inverse cot x / 2 क्या बनेगा, ये x / 2 ही बनेगा, क्यों, क्योंकि h सी रेंज से है, पाई 0 से π/4, तो 0 से π/4 में तो यही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे √1 + sin x 1 - sin x था, यहाँ पे tan inverse of √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x, इसको आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, इसका आपको शो करना है दिस इज इक्वल टू π/4 - ½ cross inverse x, और आपको दिया है उसने कि आपका x है -1/√2 से 1, x है -1/√2 से 1 के बीच में, अच्छा ठीक, तो अगर यहां पे मैं एच सी जगह, सबसे पहले तो इसी चीज से मैं क्रॉट इनवर्स ऑफ ऐसे लिख सकता हूं, अभी जो हमने पहला क्वेश्चन लिया ये उसी के जैसे बन जाएगा, 1 + x - √1 - x upon √1 + x + √1 - x, ऐसा बन जाएगा, अब हम लोग इसे रैशनलाइज कर देंगे, तो ये बन जाएगा क्रॉट इनवर्स, आपने देखा था ये क्रॉट एक्स बन जा रहा था राइट, लेकिन अभी हमें इससे मतलब नहीं है, अब उसने एक हिंट दिए कि एक्स और cos 2 थीटा डाल दो, तो ये बन जाएगा क्रॉट इनवर्स cos 2 थीटा / sin 2 थीटा, ठीक है, और क्योंकि एच आपने लिया cos 2 थीटा, और एच सी रेंज यहां से -1/√2 से 1, ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा, चलो देखते हैं, तो cos 2 थीटा बेसिकली तुम्हारा, या फिर ऐसा बोल लो कि 2 थीटा तुम्हारा इतने पोर्शन में, ठीक है, π/2 से बड़ा है, ठीक है, π/2 से बड़ा है और 2π से कम है, इस टाइप से मान लिया, ठीक है,
पाई बाय टू से टू पाई पे है एक्स, ठीक है, और क्रॉट इनवर्स ये है कॉस टू थीटा बाय साइन टू थीटा, एक तो ये अप्रोच बना सकते हो, नहीं तो दूसरी अप्रोच है कि इसको रैशनलाइज करो, ठीक है, ये अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करेगी क्योंकि जो प्रूफ करना है वो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए इसे डॉट इनवर्स में कन्वर्ट करके तो कोई फायदा ऐसे समय नहीं मिलेगा, ठीक है, बट इसमें हमें कुछ और फायदा मिल सकता है, देखते हैं। अगर मैं इसे रैशनलाइज करूं तो क्या बनेगा, डायरेक्ट रैशनलाइज करो तो क्या बन सकता है, ये बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ रैशनलाइज, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ना, तो नीचे तो क्या ही बनेगा, टू बनेगा, नहीं नीचे 2x बनेगा और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1 + x + 1 - x, तो 2 + 2 √2 - 2 √1 - x² / 2x ये बनेगा ऐसा। अब आप एक बार x ले जाए cos 2 थीटा डाल दो, तो ये अभी क्या लिखा है, टैन इनवर्स 1 - √1 - x² / x, है ना, x की जगह मैंने cos 2 थीटा डाला, ये बन जाएगा टैन इनवर्स 1 - √1 - cos² 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, ये बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ टैन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा बेसिकली 2 थीटा, ठीक है, और 2 थीटा बन गया, और एक्स आपका क्या था, एक्स आपका था क्रॉस 2 थीटा, राइट, तो अभी आपको वो भी लाना है, तो 2 थीटा बन जाएगा क्रॉस इनवर्स एक्स, लेकिन हमारा ये अभी रेंज में तो है नहीं, -1/√2 से 1 में है ना एक्स, तो 2 थीटा बेसिकली किस रेंज में रहेगा, 2 थीटा आपका रहेगा तो 2 थीटा तुम्हारा बेसिकली आएगा 3π/4 से 2π तक, तो अगर इसको मुझे रेंज में लाना है तो π/4 से माइनस करना हो, तो इसलिए ये बन जाएगा π/4 - cos inverse x, है ना, क्योंकि cos inverse x ही हमें रेंज, tan inverse x ही रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक है, π/4 - 1/2 cos inverse x, क्यों, क्योंकि थीटा तो तुम्हारा हाफ हाफ 1/2 बनेगा ना, यहाँ से थीटा हाफ cos इनवर्स एक्स बनेगा, बट उससे हमें रेंज में भी लाना है, तो रेंज में कैसे आएगा, जब थीटा का तुम ऐसे करो जब π/4 - ½ क्रॉस इनवर्स एक्स, तो रेंज एडजस्टमेंट करके ये आएगा, और ये हो गया हेंस प्रूफ, और इसी हेंस प्रूफ के साथ ये सेशन आपका होता है फिनिश, मिलेंगे अब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में और सवालों के साथ, जो कि बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस फॉर बोर्ड्स आएंगे, ठीक है, बट उससे पहले जेई मेंस रिवीजन आएगा इंटीग्रल कैलकुलस का, डेफिनेट इंटीग्रेशन, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस लाइक कर दो, बेहतरीन वीडियोस आते हैं इस चैनल पे, जे एडवांस अभी एक बढ़िया पीवाईक्यू मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ बहुत जल्द डिस्कस, तब तक चलिए बाय बाय।